टंकी क्या होती है कि जो आप गैर कानूनी तरीके से यूरोप एंट्री करते हैं, ये एजेंटों की मदद से वहां तक पहुंचे। एजेंट जो हैं 20-20 लाख रुपया से लेते। किस तरह खुद से पैसे लगाकर आप जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं POV पाकिस्तान। यूनान में कश्ती डूबने का जो वाक्या हुआ, बड़ा ही अफसोसनाक वाक्या है। आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह 750 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बने और उनका क्या बना, उनमें से कितने जिंदा बचे, उनमें से कितने पाकिस्तानी थे, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और बताएंगे कि ये डंकी लगाकर जाने वाले कौन थे, किस तरह वहाँ गए यूनान से यूरोप, इटली या जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ वो डंकी लगाकर क्यों जाते हैं, क्या वजह है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूनान के समंदर में ये कश्ती जब डूबी तो उसमें कितने अफराद शामिल थे। 750 अफराद का बताया जा रहा है जो इस कश्ती में मौजूद थे। अब हम बात करेंगे कश्ती की लंबाई कितनी थी। तो कश्ती की जो लंबाई थी वो 100 मीटर बताई जा रही है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, वो क्यों पानी के अंदर डूब गई और ये जो लोग इसमें मौजूद थे 750, इसमें पाकिस्तानी कितने थे और ज़िंदा बचने वाले कितने अफराद थे, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। जो हमारे पास अभी तक इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक जब ये समंदर के बीचों बीच ये कश्ती डूब जाती है, इसमें दो रीज़न्स हमारे सामने आती है। एक रीज़न ये आती है कि इसको ये कश्ती रुक गई थी, ख़राब हो गई थी। 18 घंटे से ज़्यादा ये कश्ती पानी में नहीं ठहर सकती, लेकिन 18 घंटे से ज़्यादा टाइम होने की वजह से इसको जब छोटी कश्ती के साथ जब खींचा गया तो लोग जो थे वो एक ही साइड पे होने की वजह से कश्ती उलट गई। एक तो रीज़न ये बताई जा रही है। दूसरी रीज़न ये बताई जा रही है कि कश्ती में ओवरलोड होने की वजह से वहाँ समंदरी हवाएं चल रही थी, गहराई ज़्यादा की थी समंदर की, तो कश्ती वहाँ ख़राब हो गई और उन हवाओं को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये कश्ती डूब गई। अब ये दो वजूहात बताई जा रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे जाके तहकीकात में पता चल जाएगा। अब ये हुआ क्या, पाकिस्तान से ये 310 अफराद जो कि डंकी लगाकर, डंकी क्या होती है कि जो आप गैर कानूनी तरीके से यूरोप एंट्री करते हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने रोज़गार के बेहतरी के लिए लोग जाना चाहते हैं, तो वो डंकी लगाकर जाते हैं। अब आप ये सोचें कि ये वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये एजेंटों की मदद से वहाँ तक पहुँचे हैं। अब एजेंट जो हैं वो इनसे 20-20 लाख रुपया जो है वो इनसे लेते हैं और इनको यूरोप तक पहुँचाने का वादा करते हैं। ये इनका प्रोसेस क्या होता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो 310 लोग थे जिन्होंने 20 लाख रुपया एक बंदे ने भरा, उन्होंने क्या किया, डंकी लगाने वाले जो एजेंट थे जो डंकी लगवाते हैं, उन्होंने उनको जो है वो कराची से दुबई, दुबई से लीबिया, ये कानूनी तरीके के साथ वीज़ा लगवा के भेजा और लीबिया से आगे एक और एजेंट के हैंडओवर कर दिया और उसके ज़रिए जो है वो समंदरी रास्ते से जो कश्ती के ज़रिए जो है यूनान से होते हुए, वहाँ से होते हुए लोग यूरोप जाते हैं डंकी लगाने वाले, तो वहाँ से वो फिर जो है वो उन्होंने कश्ती के ज़रिए, समंदरी रास्ते के ज़रिए इटली जाने की कोशिश की और दरमियान में ये हादसा, ये सानिया रोनुमा हो गया। तो ये 310 लोग जो ख़ुद से पैसे भर के गए, 20 लाख रुपये अपने प्यारों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक्या था और यूनानी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जो है वो अब बंद कर दिया है, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और जो लापता अफराद थे उनको उन्होंने जहां भाग जो है वो ना, मतलब कि वो जिंदा नहीं है, डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक वाक्या है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो 750 अफराद थे वो कहाँ कहाँ से थे। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र और शाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। पाकिस्तान से ये 310 लोग थे और इनका मुख्तलिफ इलाकों से, कोटली, आज़ाद कश्मीर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट से इनका ताल्लुक था अफराद का। ये 310 लोग जो वहाँ गए थे, 298 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 12 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है, जिसमें जो 4 लोग हैं वो अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी जो है वो सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, ट्रॉमे में हैं, और जो बाकी ज़िंदा बचे हैं उन वो 8 लोग हैं। उनके हम आपको नाम भी इस वीडियो के अंदर बताते चलें वो कौन है। तो ये अगर
कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि अगर कोई यहाँ उनका कोई प्यारा है और अगर उनका कोई ज़िंदा बच गया है तो वो ये नाम सुन के एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वाक़ा तो मंगल और बुध की दरमियानी शब हुआ था, जिसके बाद जो है जैसे ही यूनानी गवर्नमेंट को पता चलता है, उनकी कोस्ट गार्ड और उसके अलावा नेवी ऑपरेशन जारी करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और बहुत तेज़ हवाएं चलने की वजह से उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जैसे ही ये कश्ती डूबती है उसके बाद यूनानी गवर्नमेंट ने वहाँ ऑपरेशन स्टार्ट किया उन गैर कानूनी तौर पे जो इंसानी समंगलिंग करते हैं इस तरह गैर कानूनी तरीके से, उनको गिरफ्तार किया। और बड़ी बात सामने आ रही है कि वो जो गैर कानूनी इंसानी समंगलिंग करने वाले, उनका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो मिस्र से बताया जा रहा है। अब आप देखिए कि किस तरह खुद से पैसे लगाकर आप जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और पीछे कईयों को सोगवरान में शामिल कर देते हैं। तो अब जो पाकिस्तानी 12 लोग जिंदा बचे हैं उनके मैं नाम बताता चलूं, उनमें मोहम्मद हमज़ा जो हैं वो गुजरावाला से उनका ताल्लुक है, और अजमत खान गुजरात से, अदनान बशीर और अब्दुलरहमान का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है, मोहम्मद सनी शेखपुरा से, और मंडी बहाउद्दीन से मेहताब, राना हसनैन सियालकोट से उनका ताल्लुक है। ये वो लोग हैं जो अभी ज़िंदा बचे हैं। और जो बाकी थे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है यूनानी गवर्नमेंट की जानब से, और वो बाकी लोगों को उन्होंने जो नहीं मिल सके उनको जो है वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये वाक़ा जो है ये इस साल का बहुत बड़ा वाक़ा बताया जा रहा है, और ये दूसरा वाक़ा है कश्ती डूबने का। तो ये डंकी लगाने वाले कब से शुरू हैं, कब से ये सिलसिला जारी है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये 1980s में बहुत आम रुझान था डंकी लगाने वाला। पहले बाय रोड आपको बंद कंटेनर्स के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाता था, सामान के नीचे जो है वो डाल दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था ताकि आपको कोई देख ना सके, आपकी कोई आवाज़, आपकी सांसों को कोई बाहर महसूस ना कर सके। और बाय रोड कराची से फिर सादकाबाद, और सादकाबाद के बाद बलोचिस्तान से अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के ज़रिए आपको पहले ये बाय रोड करवाया जाता था। उसके बाद जो है ये थोड़ी सी इनमें भी जिद्दत आई डंकी लगाने वालों ने, इन्होंने दुबई का वीज़ा लगवा के देते हैं, फिर लीबिया का वीज़ा लगवा के देते हैं, लीबिया से जो है वो अगले एजेंट को आप पेश कर दिए जाते हैं, और वो एजेंट बाकी भी जितने भी ममालिक जिनमें मिस्र, अफगानिस्तान, शाम के जो महाजरीन हैं, तारकिन वतन हैं, उनको भी साथ लेके, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, और कश्ती के ज़रिए जो कि एक ही कश्ती ओवरलोडेड की जाती है ताकि इन एजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच सके, इनको कोई ख्याल नहीं होता। और इसमें एक और बड़ी बात आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइफ जैकेट्स तक नहीं दी जाती जब आप 20 लाख रुपया ले रहे हैं एक बंदे से। और ये बताया जाता है कि इस कश्ती पे जो एक बंदे का खर्चा होता है वो 1500 से $2000 के करीब आता है, ये भी बताया जा रहा है। और उसके बाद अगर इतना खर्चा आता है तो लाइफ जैकेट्स नहीं दी गई, अगर लाइफ जैकेट्स दी जाती तो आज बहुत से लोग जो है वो ज़िंदा बच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने लीबिया से आगे कश्ती के ऊपर सफ़र करवा के जो है वो यूनान के बीचों बीच जो यूनानी समंदर है उसके बीचों बीच कश्ती ख़राब हो जाती है ओवरलोडेड होने की वजह से, लहरें जो हैं वो जब आप समंदर की गहराई में जाते हैं तो लहरों की जो ऊंचाई है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हवाएं चलती हैं वो भी बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाएं होती हैं, जिसके बाद ये जो आम कश्ती जिसके अंदर 750 अफराद 100 मीटर लंबी कश्ती, ये अपना जो है वो बैलेंस कायम नहीं रख पाती और डूब जाती है। इसी तरह ये इटली और बाकी जितने शेंजन कंट्रीज हैं उनके अंदर ये डंकी लगा के पहुँचाया जाता है। तो ये सिलसिला बहुत देर से जारी है, और इस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये एजेंट पकड़ने चाहिए ताकि ये जो गैर कानूनी तरीके से पैसे लेके इंसानी समंगलिंग में जो शामिल हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और जो जिनके प्यारे जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके जो है उनके साथ भी हमदर्दी करनी चाहिए हुकूमत की जानब से, और इमदाद का भी ऐलान करना चाहिए, ये हमारी तरफ से भी मुतालबा है। और ये अब दूसरा बड़ा वाक़या है, दूसरी बार ये कश्ती इस तरह जो है वो डूब जाती है और 750 अफराद लुकमाए अजल बन जाते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इसमें हमने आपको पूरी तफसील बताने की कोशिश की है ताकि आप तक हर बात तफसीली पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई किसी का प्यारा अभी तक इंतज़ार में है कि उसका भाई, बाप, बेटा जो है वो वापस आएगा, तो जो नाम मैंने बताए हैं अगर उनमें से कोई उनको जानने वाला है तो वो एम्बेसी से रब्ता करके उनसे मिलने की कोशिश कर सकता है। तो वीडियोज़ भी आपने पीछे चलती हुई देखी जो हमने आपको दिखाई हैं, किस तरह कश्ती में अफराद थे, किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ये सारी चीज़ें। और अब जो फाइनल इत्तला ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है
है वो बंद कर दिया गया है और जो लापता थे उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।